तो आज हम लोग का कुछ नया टॉपिक रहेगा पेज मेकर में। तो सबसे पहले तो मैं वही पेज मेकर हम लोग ऑन कर लेते हैं, ठीक है। आज का हमारा जो कुछ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है कि हम लोग टूल बॉक्स के बारे में। तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं टूल बॉक्स का, सिंगल क्लिक और डबल क्लिक दोनों ही हम लोग पढ़ चुके हैं। आज जो हम लोग देखेंगे वो हम लोग देखेंगे अबाउट टूल बार के बारे में। ये जो ऑप्शन हमको दिख रहा है यही मेरा क्या कहलाता है, टूल बार कहलाता है। तो आज हम लोग ये चीज़ को कवर अप करेंगे, इसका दो पार्ट हम लोग बनाएंगे। एक आज जो हम लोग करेंगे वो हम लोग बुलेट्स तक करेंगे, और साथ में कलर प्लेट को थोड़ा सा हम लोग काम करेंगे इस पर, ठीक है। तो सबसे पहले जो अगर हम लोग टूल बॉक्स की या टूल बार की हम लोग अगर बात करते हैं, तो टूल बार में जो सबसे पहला ऑप्शन आता है हमारा वो होता है न्यू का। न्यू क्या काम करेगा, तो न्यू आपका करता है कि कोई भी नया पेज अगर हमको लेना है तो उसके लिए हम लोग न्यू का यूज़ करते हैं। जैसे हमको जिस साइज़ का पेज चाहिए वो साइज़ हम लोग यहाँ से सेट कर सकते हैं, जिस ओरिएंटेशन का चाहिए वो ओरिएंटेशन हम लोग डाल सकते हैं, पेज का ऑप्शन हम लोग सेट कर सकते हैं। ये सब चीज़ हम लोगों ने पहले हम भी देख चुका है। तो अभी जैसा चाहिए ये करके हम लोग इसको ओके कर लेंगे, ठीक है। दूसरा ऑप्शन हम हमारा होता है वो होता है ओपन का। ओपन क्या काम करता है, इसका शॉर्टकट होता है Ctrl+O। ये करेगा कि कोई भी अगर पेज मेकर में हम लोग फाइल अपना बना के सेव किए हुए हैं तो उसको यहाँ से हम डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। तीसरा हो जाएगा आपका कि सेव करना, तो सेव कर सकते हैं। प्रिंट आउट निकालना, तो प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। फाइंड ऑप्शन, जैसे अब हम कुछ टेक्स्ट वगैरह लिखेंगे तो हम लोग फाइंड में जा करके उसको फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद होता है कैरेक्टर स्पेसिफिकेशन, जो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था इसका यूज़ क्या होता है। उसके बाद अगला चीज़ आता है वो होता है स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज। इसके लिए हम लोग सबसे पहले तो टेक्स्ट को लिख लेते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पे टाइप कर लिया है तो इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, एंड जो अगला स्टेप आएगा वो होगा इंक्रीज द फॉन्ट साइज। तो ये स्टेप बाय स्टेप एकदम बहुत माइनर, बहुत स्लोली इंक्रीज करता है, एंड उसके बाद स्लोली ये डिक्रीज भी करेगा सेम साइज से। इसके बाद मेरा अगला जो पार्ट आता है वो होता है फील एंड स्ट्रोक का। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले तो हम लोग ले लेंगे एक शेप ले लेंगे, एक शेप हम लोग ले लेते हैं। शेप लेने के बाद इसको हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। शेप लेने के बाद आप यहाँ से फील एंड स्ट्रोक में आएंगे तो यहाँ पे हमको दिखा देगा। ये ऑप्शन भी हम लोगों ने डबल क्लिक में पढ़ा हुआ है। ये मेरा इलेप्ट्रिकल डबल क्लिक से ये ऑप्शन मेरा ओपन होता था, जिसमें हम सब चीज़ कंट्रोल करते थे, देन इसके बाद ओके करेंगे। तो ये जो चेंजेस वगैरह होगा ये आपका होगा फील एंड स्ट्रोक की मदद से। इसके बाद जो ऑप्शन आता है वो होता है पैराग्राफ स्पेसिंग का। तो इसके लिए तो एक पैराग्राफ सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ पैराग्राफ हम लोग पहले टाइप कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने कुछ टेक्स्ट लिख लिया, अब हम इसको कॉपी कर लेते हैं, सॉरी सेलेक्ट कर लेते हैं। और उसके बाद हम लोग यहाँ से पैराग्राफ, इसमें पैराग्राफ में जैसे लेफ्ट साइड से अगर कितना मार्जिन हमको छोड़ना है, ये मेरा बेसिकली मार्जिन बेस पे काम करे सर। फर्स्ट हम रहने देते हैं, राइट साइड वन कर देते हैं, आफ्टर बिफोर भी अभी रहने देते हैं, अभी किसी में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं करेंगे। तो ये मेरा क्या होगा कि लेफ्ट साइड से भी वन छूटा और राइट साइड से भी वन छूटा। तो ये सब कुछ काम हम लोग कर सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद दूसरा जो होता है, तो पहले तो जो हम लोगों ने चेंजेस किया उसको वापस से पहले जैसा कर लेते हैं, जैसे लेफ्ट और राइट सबको जीरो करके इसको हम ओके कर देते हैं। अब जो हम लोग का आएगा वो आएगा इंडेक्स टेक्स्ट टैब। इंडेक्स टैब का क्या काम होता है, ये जैसे वर्ड में अगर आप लोगों ने वर्ड के बारे में कुछ पता होगा तो वर्ड में हम लोग जैसे टैब मूवमेंट का जो काम करते हैं ये सेम उसी तरीके से काम करेगा। तो यहाँ से हम लोग इसको जितना बाई उतना हम इंक्रीज करके इसको हम कर लेंगे यहाँ से ओके। तो ये मेरा क्या होगा कि आपका जो मार्जिन है वो आपका यहाँ से रिमूव कर देगा वो। इसको हम बाय डिफ़ॉल्ट अपने अकॉर्डिंग हम इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं, मतलब फॉरवर्ड और बैकवर्ड भी हम अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसके बाद अगला जो आता है वो होता है बुलेट्स। बुलेट्स का जो काम होता है वो आपको बहुत सारा चीज़ बनाने में काम आएगा। तो बुलेट्स के लिए तो सबसे पहले कोई भी टेक्स्ट का होना कंपल्सरी होता है, विदाउट टेक्स्ट हम लोग यहाँ पर कोई काम नहीं करते। जैसे हम यहाँ पर एक पी एक कैरेक्टर ले लिए, साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं बुलेट्स में। विदाउट टेक्स्ट अगर ये लेंगे तो यहाँ पे एरर कोड जनरेट हो जाएगा, जिसकी जिससे क्या होगा कि हम उसके बाद कोई शॉर्टकट्स यूज़ नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पे आते हैं कोई डिज़ाइन, जैसे हमारे पास
विंग ड्रिंक करके एक ऑप्शन होता है जिसमें हम लोग ढेर सारा हमको सिंबल्स वगैरह मिल जाए, जैसे फ़ोन का सिंबल हो गया, मैसेज का सिंबल हो गया। इसका साइज़ चलो हम यहाँ से बड़ा कर लेते हैं। पहले साइज़ यहाँ पे मैक्सिमम 72 दिया हुआ है, तो अभी तो हम लोग यही बाकी हम शॉर्टकट की मदद से कर लेंगे। तो यहाँ पे हमको जिस तरीके का चाहिए, जैसे कंप्यूटर चाहिए या कोई भी हमको आइकन्स चाहिए, वो हम लोग को यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा विंग ड्रिंक्स में या विंग ड्रिंक 2 में। सब में अलग अलग सा चीज़ है, आपको यहाँ पे कुछ एरो साइन है, ये सब हम लोग आइकन्स के तौर पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं ये सब सारी चीज़ों का। जैसे सपोज़ अभी हम लेते हैं फिंगर का, तो ये हम करके इसको कर दिए ओके, देन यहाँ से भी हम लोग कर देंगे ओके, तो ये मेरा आ गया। एंड हम चाहेंगे तो टेक्स्ट को हटाना तो टेक्स्ट को हटा भी सकते हैं, कोई इशू नहीं है। उसके बाद अगर और चाहिए तो हम लोग इसको और हम लोग पिक टूल में जाएंगे, इसको और सेलेक्ट करके इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। पेज मेकर में एक बात और याद ध्यान में रखने का बात होता है कि जब ये मेरा जो एरिया है, ये एरिया इसलिए है कि इसके अंदर हम लोग कोई और काम नहीं कर पाएंगे, तो इसको अंदर काम करने के लिए हम लोग इसका एरिया को छोटा कर लेंगे। जितना छोटा करेंगे उतना मेरे लिए बेहतर रहेगा। इसको भी हम वही करते हैं ताकि कोई टेक्स्ट अगर इसके सामने हमको लिखना रहा तो वो हम इजीली लिख सकते हैं, जैसे अब हम यहाँ पे चाहें। और पेज मेकर में हमको पता ही है कि टेक्स्ट हम किसी भी तरफ से कहीं भी लिख सकते हैं, कितना भी साइज़ बड़ा कर सकते हैं और उसको किसी भी प्लेस पर हम लोग ले जा सकते हैं। तो इसको यहाँ से उठाएंगे और हम लोग यहाँ से यहाँ सेट कर सकते हैं। तो ये अभी के लिए, जैसा कि आज हमने बोला था कि हम दो चीज़ को कवर अप करेंगे, एक तो टूल बार का हाफ पार्ट हो जाएगा और एक हो जाएगा कलर के लिए। तो कलर में कुछ नहीं है, पेज मेकर में क्या होता है कि कलर मेरे पास इतना ही दिया हुआ रहता है, मतलब एक लिमिटेड होता है। इसको हम लोग और कर सकते हैं, और बना सकते हैं, तो और बनाने के लिए यहाँ नीचे में देखिए दो ऑप्शन दिखता है, पहला एक डिलीट का है, दूसरा क्रिएट का है। तो क्रिएट वाले में जाएंगे एंड यहाँ पे एक नंबर नाम हम लोग डाल देते हैं, COMP के नाम से कॉम डाल देते हैं। एंड यहाँ से कलर को हम लोग मिक्स करेंगे, RGB हमें पता है कलर का ये दो मोड होता है। तो ये सब सारे चीज़ को, या इसमें और भी डीप हम लोग आगे वीडियो बनाएंगे, इस पर कौन से कलर को कितना हम लोग हाई या कितना लो करेंगे तो सब काम हम लोग का होगा। जैसे ये पर्पल करते हैं तो यहाँ मेरे पास ये आ गया। अब इसकी मदद से क्या कर सकते हैं कि एक शेप हम ले करके इसको हम कलर फिल कर सकते हैं। तो ये मेरा हो जाएगा। एंड इसी को अगर डिलीट करना है तो कुछ नहीं करेंगे, इसमें हम लोग यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, यानी तो इसको उठाएंगे और यहाँ से डिलीट के ऑप्शन में लेके चले जाएंगे। तो यहाँ पे पूछ दिया रिमूव करने को, यस ओके कर लेंगे, रिमूव हो गया। तो ये सब कुछ काम हम लोग कर सकते हैं यहाँ पर।